बोकारो विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी विरंची नारायण आज नामांकन करेंगे। विरंची सुबह राम मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद चास अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करेंगे। वही नामांकन के बाद सभा का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं विरंची नारायण। हैट्रिक लगाने की तैयारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं नामांकन करने से पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं विरंची नारायण। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पूजा अर्चना करने आए हैं और हम इनसे जानते हैं कि पूजा अर्चना करने के बाद किस तरह से नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आप पूजा अर्चना कर लिए हैं, नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम से और उनके परम भक्त प्रभु हनुमान से प्रार्थना करने आया हूँ। अपनी पत्नी, मेरे परिजन, मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक, मेरे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे अभिभावक सबों के साथ कि पार्टी ने और बोकारो की जनता ने जो मुझे अवसर दिया है, इस अवसर का लाभ बोकारो की जनता को मिले, यही प्रार्थना करने आया हूँ। किस तरह से तैयारी है, कहाँ से कैसे क्या क्या रूट में जाएंगे आप? नहीं देखिए, तैयारी तो पार्टी करती है, कार्यकर्ता करते हैं। और आपको जो अभी आप देख रहे हैं, साक्षात इंद्रदेव भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कीचड़ में ही कमल। तो तैयारी तो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त की है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इंद्रदेव की कृपा साक्षात हम लोगों के पास बरस रही है। तो आनंद आएगा, फिर भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राण प्रण से यहाँ नामांकन के लिए साथ में पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में ऐतिहासिक यात्रा होगी नामांकन की। नॉमिनेशन के बाद सभा भी होने जा रही है, इस सभा में कौन कौन से लोग? श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के आने की प्रबल संभावना है। अब पता नहीं हेलीकॉप्टर उतर पाता है कि नहीं। हमारे प्रभारी श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शुभचिंतक को पहुँचना है। देखिए, जिस तरह से विरंची नारायण ने कहा कि आशीर्वाद जनता देती है, हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी नीना नारायण भी है, उनसे भी जानते हैं, क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगेगा? पक्का पक्का लगेगा, पक्का लगेगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया और अभी कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि किसे इनके विरोध में खड़ा किया जाए, अभी तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जीत पक्की है और अभी हम लोग राम मंदिर में आए हैं प्रार्थना करने के लिए ईश्वर से, तो जरूर ईश्वर की कृपा जरूर बनेगी। क्या लग रहा है इस बार कितने से जीतेंगे? मार्जिन ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा, बस इतनी बता सकती हूँ मैं। देखिए, नीना नारायण ने साफ तौर से कहा कि मार्जिन ज्यादा होगा, चूंकि जिस तरह से अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और बहुत ही ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।